हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में, एसक्यूएल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एसक्यूएल की है। यहां पर देख सकते हैं ये एक टेबल हमारे पास बनी हुई है जिसका नाम है माई टेबल। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन क्या है कि इसमें एक क्वेरी लिखनी है जिसमें हमें नॉट बिटवीन का यूज करना है। किसका यूज करना है? नॉट बिटवीन का, ठीक है। अब इसमें नॉट बिटवीन का यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले क्रिएट पे जाएंगे और यहां से क्वेरी डिजाइन पे जाके इसे ऑफ करेंगे और यहां एसक्यूएल पर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर नॉट बिटवीन की क्वेरी लिखनी है तो सबसे पहले सेलेक्ट लिखेंगे। सेलेक्ट लिखने के बाद यहां पर क्या करना है आपको, सेलेक्ट करने के बाद यहां पर लगाना है एस्ट्रिक यानी ये स्टार का साइन, और यहां लिखना है फ्रॉम, एफ आर ओ एम फ्रॉम, और यहां पर एज, ठीक है। वेयर, वेयर लिखेंगे पहले फ्रॉम, और यहां लिखेंगे वेयर, डब्ल्यू एच ई आर ई वेयर एज, ठीक है। अब यहां बिटवीन का, नॉट बिटवीन का यूज करना है तो क्या लिखेंगे, ये एज लिखने के बाद यहां लिख देंगे आगे नॉट बिटवीन। क्या लिख देंगे? नॉट बिटवीन। इस तरीके से सिंपली नॉट बिटवीन लिख दीजिएगा। ये भी एक प्रकार का ऑपरेटर होता है माई एसक्यूएल के अंदर या एसक्यूएल के अंदर। तो ये हो गया नॉट बिटवीन, और यहां पे कर देते हैं 12, ठीक है, और आगे लिख देते हैं एंड, ए एन डी 30। तो 12 एंड 30 लिख करके और यहां से टर्मिनेशन दे देना माई टेबल। तो यहां पे कर देते हैं माई टेबल टी ए बी एल ई, तो ये हो गया माई टेबल। और यहां से जाकर के इस तरीके से, और जैसे ही इसे रन कराया तो नॉट बिटवीन क्वेरी रन हो गई और केवल दो ही रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट होकर हमारे आए हैं। देखिए यहां पर ये क्वेरी हमने चलाई है, क्वेरी फिर से मैं आपको दिखा देता हूं। ये हमारी क्वेरी है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, यहाँ टेबल का नाम आएगा, फिर यहाँ वेयर एज नॉट बिटवीन 12 एंड 30। तो 12 और 30 के बीच की एज यहां पर नहीं आएगी बस, ठीक है, बाकी सारी एजेस आएंगी। तो यहां पर जब हम मेन टेबल में जाते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पे 23 है, 34 है। तो 23 और देखिए 12 से लेकर 30 करना है, तो यहां पर एक ये रिकॉर्ड, ये डेली वाला रिकॉर्ड नहीं आएगा, ये 25 वाला नहीं आएगा, 23 वाला नहीं आएगा, ठीक है, बाकी ये 34 वाला आएगा, 37 वाला आएगा। तो जब हम क्वेरी को देखते हैं तो आप देखेंगे कि यही दोनों रिकॉर्ड ही हमारे सामने आए हुए हैं, बाकी तो और कोई रिकॉर्ड आया ही नहीं हुआ है। तो ये वो क्वेरी थी जो कि मैंने आपको बताई नॉट बिटवीन की, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।